अयोध्या मामले में सुनवाई कर रहे दोनों पक्ष के मुख्य वकील और उनकी टीम की जिंदगी ही बदल गई है। हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन सुबह 4 बजे तक केस की तैयारी करते हैं, तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन रात रात भर नोट्स पर काम करते हैं। ये केवल वरिष्ठ वकीलों की दिनचर्या नहीं है, बल्कि इनके 50 सहयोगी वकीलों का खाना पीना भी दफ्तर में ही हो रहा है। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई की तारीख 6 अगस्त मुकर्रर की। इसके बाद से कोर्ट और ऑफिस में केस की तैयारी ही इनकी जिंदगी बन गई। 1.5 महीने में दोनों पक्ष के वकील तकरीबन 10 लाख रुपए की किताबें खरीद चुके हैं। ये केस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उस धर्म की दलील को समझना, पढ़ना और नोट्स बनाना जरूरी होता है। फिर अगले दिन बहस और बहस का जवाब देना होता है। ऐसे में धर्म ग्रंथों को पढ़ना जरूरी होता है। अब मुस्लिम वकील हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वही हिंदू वकील मुस्लिम धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे वकील जफरयाब जिलानी ने सांसद अयसुद्दीन ओवैसी के बंगले को वॉर रूम बनाया है। वे खूब हिंदू धार्मिक ग्रंथों का मंथन कर रहे हैं। जफरयाब जिलानी का कहना है, हिंदू ग्रंथों को खूब पढ़ा और अब रोज सुनवाई हो रही है तो भी पढ़ रहे हैं। जब हिंदू पक्षकारों की ओर से दलीलें रामायण और स्कंद पुराण पर दी जाती है, तो उनका जवाब देने के लिए वही ग्रंथ पढ़ते हैं। वही हिंदू पक्षकार हरिशंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम धर्म पर दलील देना है तो उनके धर्म का अध्ययन करना जरूरी है। मैं तीसरी बार बाबरनामा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला बाबर से जुड़ा है। इसके अलावा पिछली 37 सुनवाई में हमने जितने भी मुस्लिम शासकों का जिक्र किया, उनकी धार्मिक कट्टरता को समझने के लिए अकबर, जहांगीर, हुमायूं की किताबों का भी अध्ययन किया। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन का कहना है कि हजारों पेज का जजमेंट रोज सुनवाई होती है, तो 200 किताब पढ़ना आम बात है। इस केस में किताबों की संख्या 3 से 4 गुना हो गई है। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बाकी अन्य केसों की तरह ये भी एक केस है। हिंदू मुस्लिम पक्षकारों के वरिष्ठ वकील और उनके सहयोगी वकीलों ने अगस्त से कोई नया केस नहीं लिया है। वे बताते हैं कि केस लेना तो अलग बात, हमारे पास क्लाइंट से बात करने का भी समय नहीं है। जो केस पहले से थे उनमें या तो तारीख ले ली या मामले किसी अन्य वकील को ट्रांसफर कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह से बदल गई है अयोध्या मामले में पैरवी कर रहे वकीलों की जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट।